हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सेवेंटी फोर फोर क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो चैप्टर नाइन है आपका भोली उससे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उस चैप्टर के क्वेश्चन हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे ठीक है एंड ये आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन फोर्स दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो तो आपको ए बी सी डी ई एफ ठीक है एफ तक जो है ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है क्लियर और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ बोली फर्स्ट डे एट स्कूल कुर्सी मेक एनी फ्रेंड वाई वाई नॉट तो भोली का जो फर्स्ट डे था स्कूल में वो कैसा था सो भोली इन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल तो भोली ने अपना फर्स्ट डे जो है वो काफ़ी इन्जॉय किया एट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रजेंट देयर ठीक है तो वहाँ पे भोली ने जो है अपने जैसी अपनी एज की जो है काफ़ी उसको uh, गर्ल्स मिली तो इसीलिए वो क्या थी बच्चों वो खुश थी शी कुड नॉट मेक एनी फ्रेंड उसने कोई फ्रेंड नहीं बनाया बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली क्योंकि वो जो है क्लियरली बोल नहीं पा रही थी सो डिडन्ट स्पीक टू एनी वन ठीक है इसीलिए वो किसी से उसने बात नहीं की नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू है वाई डिड द टीचर ट्रीट भोली विद काइंडनेस टीचर ने जो है भोली के साथ बहुत ही काइंड बिहेवियर uh, किया क्यों द टीचर वॉज सेंसिटिव एंड वॉन्टेड टू मेक भोली कंफर्टेबल टीचर बहुत सेंसिटिव थी और वो चाहती थी कि भोली जो है वो कंफर्टेबल हो जाए एंड कॉन्फिडेंट सो दैट सी कैन डेवलप हर इंटरेस्ट इन स्कूल ताकि वो उसका इंटरेस्ट जो है स्कूल में जो है क्रिएट कर सके सी क्वेश्चन है हाउ डिड बोली मदर कन्वेंस हर फादर दैट दिसंबर वाज़ द राइट मैच फॉर हर बोली की मदर ने उसके फादर को कैसे कन्वेंस किया कि जो दिसंबर है जिससे बोली की शादी होने जा रही थी कि वही उसके लिए राइट right मैच है सो भोली पेरेंट्स फेल डैट इफ़ देट एक्सेप्ट तो भोली के पेरेंट्स ने क्या फील किया उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने दिसंबर का जो प्रपोजल है वो अक्सेप्ट नहीं कियाड रह जाएगी ऑल अवर लाइफ अपनी पूरी लाइफ में हर मदर सैड दैट देवर लकी दैट दिसंबर वॉज फ्रॉम अनादर विलेज उसकी मदर ने क्या कहा कि जो है हम बहुत लक्की हैं कि वो जो है दूसरे गाँव का है एंड डिडेंट नो अबाउट भोली पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस इसलिए उसको भोली जो लैक ऑफ सेंस है यानी जो उसके फेस के ऊपर पोक मार्क्स हैं और वो जो एक तरह से आप कह सकते हो उसको सेंस नहीं है वो बोल नहीं पाती अच्छे से तो उसके बारे में वो नहीं जानता डी पार्ट है डिट भोली फील हैप्पी वैन शी हियर्ड अबाउट द ग्रूम वाई डिड शी एग्री टू मैरी हिम तो डिट फोली भोली फील हैप्पी जब उसको uh, पता लगा कि uh, जो है कि uh, उसने अपने ग्रूम के बारे में सुना तो क्या वो खुश थी और उसने कैसे रिएक्ट किया ठीक है वो एग्री क्यों हो गई सो भोली डिडेंट रिएक्ट इन एनी वे वेन शी हियर्ड अबाउट द ग्रूम तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दी भोली लव्ड हर पेरेंट्स वेरी मच वो अपने पेरेंट्स से प्यार करती थी सो फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस शी हैड एक्सेप्टेड टू मैरी बिसंबर सो so, उनके लव और उसका जो फेथ था अपने पेरेंट्स में उसके चलते उसने जो है शादी जो है करने को वो राजी हो गई थी ई पार्ट है वाट इट भोली से टू पेसिफाई हर पेरेंट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिसंबर बोली ने जो है क्या अपने पेरेंट्स को कहा जब उसने दिसंबर से मैरी करने से शादी करने से इनकार कर दिया बोली डिनाइड मैरी बिसम्बर नाथ उसने उससे शादी करने से मना कर दिया बिशंबर नाथ से शी रिप्लाइड शी डिडेंट मैरी सच अल्फिश एंड ओल्ड इनअफिशेंट ग्रोसर ठीक है कि वो तैयार थी उस जो बूढ़ा आदमी था उससे शादी करने को फिर भी तैयार थी लेकिन जो वो जिस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ वो उस समय डॉरी के लिए बिहेव कर रहा था तब जो है उसने उसको मैं उसको मना किया था she will teach in the school from uh, school from where uh, she had studied everything तो so, उसने कहा कि वो school में teacher बनेगी और school के बच्चों को पढ़ाएगी जहाँ से वो बहुत कुछ सीख सकती है and assist her parents in their old days और uh, उसके जो parents से उनकी वो सेवा करेगी एफ पार्ट हैलेखा डिडेंट स्टैमर वोकिंग बैक टू हरान जब वो उसने दोबारा अपनी आंटी से बात की थी वो स्टैमर ही स्टैमर नहीं कर रही थी यानी वो हकला नहीं रही थी वॉट ब्रॉट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या एक तरह से कारण था ठीक है भोली वॉज नो लोंगर अ मेंटली वीक गर्ल भोली जो है अब एक मेंटली वीक गर्ल नहीं थी शी हैड ग्रोन टू बी कॉन्फिडेंट लर्न सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड अ बोल्ड गर्ल सी स्टैम्बर्ड नोर शी वज ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट द रॉन्ग अब वो ना तो हकला रही थी और ना ही वो गलत काम में जो है एक तरह से गलत काम को रिबेल करते हुए यानी उसके अगेंस्ट बोलते हुए घबरा रही थी मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है करें सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फोन नंबर से इजिली साइन अप लें अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको सिक्सटी सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा

she was polite and friendly which touched her heart she encouraged her every time and was affectionate towards her wo usko kya karti thi encourage karti thi uske usko jo hai ek tarah se uski taraf wo sympathetic thi the teacher transform her into a confident person who could read write and speak clearly teacher jo hai वो उसने उसको क्या कर दिया था उसको चेंज कर दिया था ट्रांसफॉर्म कर दिया था वो अच्छे से लिख पाती थी बोल पाती थी My favorite teacher is मिसिज uh, Sunita. she also keeps encouraging me she is polite friendly and affectionate one difference is that sunita ma'am is not my primary teacher she teaches me science theek hai wo meri primary teacher nahi hai वो मुझे क्या पढ़ाती हैं वो मुझे science पढ़ाती हैं तो ये जो है उसमें भोले की जो teacher थी वो उसकी primary teacher थी ठीक है so ये जो है difference रहेगा Now question number three is identify the error in each line and write its correction in the space given below। तो आपको जो error है line में वो find out करनी है So you may send your daughters to school, ठीक है You uh, अब इसमें देखिए इसमें मे जो है यहाँ पर हम correct करेंगे कि लड़कियों को school भेजना कोई जो है मतलब ऐसे यू मे नहीं आएगा इसमें must आएगा कि लड़कियों को भेजना चाहिए okay? तो correct करेंगे इसमें क्या आ जाएगा मस्ट आ जाएगा नाउ सेकेंड है द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी तो आंसर रहेगा इसमें देखिए इनकरेक्ट क्या है वेन, आ, नाइट दैट रामलाल कंसल्ट्स अब देखिए यहाँ पे क्राइड जो है पास्ट में है और तो हम कंसल्ट को भी पास्ट में लेकर जाएंगे तो कंसल्टेड आ जाएगा सो इसमें करेक्ट रहेगा कंसल्टेड थर्ड है इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु हैज मैरी दैम ठीक है तो इसमें आ जाएगा हैज़ की जगह विल आएगा इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा ये उसकी मदर ने कहा था भोली की मदर ने जब जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजने की बात हो रही थी तो इसमें विल आएगा तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट आई होप सभी को क्लियर है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे